beautiful friends, this is Dolly Jain back with another tutorial for all of you. But आज का जो tutorial है वो completely हिंदी में कर रही हूँ. बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा है कि मैम हमें इंग्लिश पूरी तरह समझ में नहीं आती है. आप जो ड्रेप दिखाते हैं हमें समझ में आ रहा है वो ड्रेप, जो बट इन बिटवीन जो डिटेलिंग आप देते हैं वो हम समझ नहीं पाते हैं. तो ये ड्रेप स्पेशली उन लोगों के लिए है और बाकी लोग भी इसको देख के समझ सकते हैं. ये एक नीवी स्टाइल का ड्रेपिंग दिखा रहे हैं डोरिया की साड़ी में, जो बहुत सारे लोगों ने कहा है कि मैम तीज आ रहा है, त्यौहार है और रक्षाबंधन आ रही है और हमें एक बेसिक ड्रेप सीखना था, तो इसे उल्टा पल्ला का साड़ी भी कहते हैं. और मैं इसको राइटली कहती हूँ यूनिवर्सल स्टाइल ऑफ ड्रेपिंग, क्योंकि ये आई थिंक सब जगह ये ड्रेप पहनी जाती है. इसमें कुछ लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है और इस साड़ी की और भी डिटेलिंग्स में आने वाले वीडियो में दूंगी. तो शुरू करते हैं, सबसे पहले इसकी बेसिक कैसे करते हैं. तो ये हमारा बेसिक टक है जो मैंने कर दिया है. कहाँ से शुरू करते हैं, नेवल से 2 inches फ्रॉम योर नेवल यू आर गोइंग टू स्टार्ट दिस. उसके बाद आप इसको एक हैंडफुल कपड़ा बोलते हैं, या फिर आप ऐसे मान लो कि जहाँ से आपका बॉर्डर स्टार्ट होता है उससे कुछ इतनी दूर तक आप इसको एक टक कर लोगे. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद अब आप कंधे की पटलियां बनाओगे. कंधे की पटली कैसे बनाते हैं, जिन लोगों को इस तरह की प्लीट्स बनाने की आदत है और आप आराम से बना पाते हो, प्लीज गो अहेड एंड बनाइए. पता नहीं मेरी तो ये सही नहीं बनती है, शायद मेरी प्रैक्टिस में कोई कमी है, तो मुझसे ऐसे नहीं बनती है. मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये थ्रो एंड होल्ड तरीका. ये देखिए, ऐसे मेरी ऐसे में प्लीट्स एक बार में बन जाती है. तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आ जाएगा. ये इस तरह से आप लेंगे, इसको खाली अपनी तरफ फेंकेंगे और देखिए ये बन गई आपकी प्लीट्स. उसके बाद ऐसे करते करते प्लीज पिन्स नहीं लगाएंगे हम साड़ी में. बहुत सारे ट्यूटोरियल में मैंने कहा है कि आप पिन्स नहीं यूज करेंगे और बहुत सारे ट्यूटोरियल में जो मैं यूट्यूब में देखती हूँ उसमें कहते ऐसे करने के बाद आप एक पिन लगा लीजिए. पिन मत लगाइए क्योंकि आप अननेसेसरी अपनी साड़ी में होल कर रहे हैं. आपको मैं बताती हूँ आपको क्या यूज करना चाहिए. आपको यूज करना चाहिए पैक्स. सो आपने प्लीट्स बनाई, फिर पैक कर लिया, फिर इनको आपने एडजस्ट किया, फिर दूसरा पैक लिया, ऐसे कर लिया और नहीं तो उसी पैक को ग्लाइड कर लिया. ठीक है, ऐसे करते करते ये बना लिया मैंने प्लीट्स. शुरू में थोड़ा सा लंबा रखेंगे क्योंकि जब मैं आपको दिखाऊंगी तब आप देखेंगे ये अपने आप छोटा हो जाएगा. तो ये रहा हमारा प्लीट्स. देखिए ये थोड़ा सा लंबा रखा है मैंने. उसके बाद आप यहां से अपना बस्ट कवर करोगे और बड़ी नीटली डोरिया की साड़ी आप जितनी नीटली पहनोगे ना उतनी अच्छी लगेगी. अब मैं लेती हूं पिंस. अब देखिए ऐसे लेंगे हम और बड़े अच्छे से इसको शेप देते हुए. ठीक है, नाइसली. बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं लेना है क्योंकि फिर हम बाद में इससे एडजस्ट कर सकते हैं. सो आप इसको ऐसे लोगे और लेने के बाद आप यहाँ पे पिन लगाओगे. ये जो पिन लगाते हैं इसको ध्यान रखने की जरूरत है कि ये स्लांट में लगे, वर्टिकल नहीं लगे और बिल्कुल भी हॉरिजॉन्टल नहीं लगे. ये थोड़ा सा एंगल में लगता है और तीनों कपड़े पे लगेगा. मतलब आपका जो फर्स्ट आपने पेटीकोट पहना है, फिर जो सेकेंड लेयर आपकी ये वाली साड़ी और थर्ड आपकी ये. अगर आप खाली इन दोनों कपड़ों पे लगाओगे तो जो फिटिंग वाली इफेक्ट है वो बिल्कुल नहीं आएगी. उसके बाद आप अपनी पटलियां बनानी शुरू करते हो. ये जो फर्स्ट प्लीट है आपकी, वो फर्स्ट प्लीट आप हमेशा मेजर करके लो कि आपकी प्रिंसेस लाइन, ये होती है आपकी प्रिंसेस लाइन. आपके प्रिंसेस लाइन तक आप पहले इसको लेके आओ और फिर प्लीट्स बनाना स्टार्ट करो. ये देखो ऐसे. ठीक है, पहली प्लीट बड़ी होनी चाहिए और बाकी सबको छोटी बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. आप पहली प्लीट सेम मेजरमेंट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप उसको करेक्ट करोगे. तो ये मैंने पहली प्लीट बनाई. क्योंकि ये डोरिया की साड़ी है इसीलिए प्लीट्स को थोड़ी सी चौड़ी रखते हैं. अगर बहुत ज्यादा यू नो नैरो रखोगे आप तो आपकी प्लीट्स सुंदर से नहीं गिरेगी. तो ये चौड़ा लेते हुए मैं इसको ऐसे प्लीट्स बनाती हूँ.
ये प्लीट्स बन गई आपकी, सेकंड नीचे से मुड़ गया यू, ठीक है, ये आपकी प्लीट्स बन गई। अब आपको देखिए लास्ट की जो पटली थी ना, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा कम था इसलिए मैंने थोड़ी सी छोटी प्लीट्स डाली है। उसके बाद देखिए मैं क्या करती हूँ, सारे प्लीट्स को लिया मैंने, आप ऐसे साड़ी को झाड़ोगे तब भी आपकी प्लीट्स अलाइन हो जाएगी, ये देखिए। बट इसका सबसे अच्छा तरीका, एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ तुरंत, सबसे अच्छा तरीका है कि आप सब प्लीट्स को ऐसे ले एंड जस्ट अपने हाथ को इसके अंदर से रन करोगे ना, तो आपकी एक एक प्लीट ऐसे समान तरह से खिली भी रहेगी। नहीं तो क्या होता है, यहां से तो आपने 4 इंच लिया, नीचे जाते जाते वो 2 इंच होके फिर नीचे वो खुल जाती है, इसलिए आप हमेशा ध्यान दें ऐसे करके पूरी ऊपर तक, ठीक है, ऐसे आप यू विल जस्ट रन योर हैंड्स इन थ्रू ऐसे। उसके बाद आप क्या करते हो, इस सारी पटलियों को अलाइन करते हैं। अब जो वो लोग हैं जिन्होंने कहा है कि पहली प्लीट शुरू में ही बड़ी लेनी चाहिए, मेरे हिसाब से वो सही नहीं होती, अब आपको लेना चाहिए। देखिए अब आपके पास ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, अब आप क्या करोगे, पहली प्लीट को थोड़ा सा निकालो और फिर उसको बड़ा कर दो, ताकि जो यहाँ पे जो बचा हुआ कपड़ा है जिसको आप अंदर घुसा लेते थे और यहाँ पे मोटा हो जाता था, उसको उससे आप बच सकते हो। तो हमने क्या किया, बाकी प्लीट्स को पकड़ा, पहली प्लीट्स को खोला और उसको हम अंदर ले लिए, थोड़ा सा चौड़ा बना लिए, ठीक है। उसके बाद आप इसको वापस से यू एडजस्ट करते हुए, अब यहां से एडजस्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि आप यहां से टक नहीं कर रहे हो, जहां से आप टक कर रहे हो वहीं पे आप एडजस्ट करो। जैसे मैं यहां टक कर रही हूं तो मैं इसको एकदम नेवल के बीचों बीच लाऊंगी ऐसे, ये देखिए एकदम नेवल के बीचों बीच इसको लाके आप इसको यूं ऐसे, और जब आप टक करते हो तो ध्यान रखें कि यहाँ के कपड़े को आप ऐसे पाँव में दबा ले, उससे क्या होता है कि एक स्ट्रेच आता है यहाँ पे और आपका कपड़ा कहीं भागेगा नहीं, आई मीन वो जो प्लीट्स इधर उधर हो जाती है वो नहीं होगी। उसके बाद क्या करना है, आपको खाली ये पोर्शन टक करना है। अब आप देखिए बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा है कि मैम यही नहीं समझ में आता है कि खींचे किसको, तो अभी देखिए ये आपको दिख रही है, अब मैं आपको बताती हूँ आप क्या खींचते हैं। आपने इसको टक कर दिया, ये जो फैब्रिक है, ठीक है, ये वाला जो फैब्रिक है जिसमें आपने पिन लगाया था उसके बीच का जो कपड़ा है ये, ठीक है, इसको आप पुल करते हो, ये देखो आप जैसे ही इसको पुल करते हो, आप देखो आपको मैं दिखाऊं, ये देखो जैसे ही पुल करते हो आपको एक प्लीट्स मिलती है अच्छी सी और टाइट फिटिंग हो जाती है, उसके बाद आप उसको लोगे और यहाँ पे टक कर दोगे, ओके। उसके बाद आप बाकी कपड़ों को खींचोगे और खींचते हुए अच्छी तरह से इसको टक करोगे, टक यूं करें कि सारा का सारा फैब्रिक आपका अंदर चला जाए। अब देखिए जब मैंने वो प्लीट बनाई थी इसके कारण मेरे पास एक भी बल्ज यहाँ पे नहीं आया, गॉट इट, ओके। उसके बाद ये सारी प्लीट्स होने के बाद अब हम क्या करते हैं, अच्छी लग रही है ना, अच्छा इसको करने के बाद अब एक और पिन लूंगी और ये सारे प्लीट्स को इकट्ठे करते हुए इसके अंदर ऐसे पिन लगाएंगे, ठीक है, इस पिन को अंदर से लगाएंगे ऐसे। तो ये हो गया आपका सिक्योर, प्लीट्स हो गई आपकी अच्छी से, आपको दिख ही रही है, मुझे तो अच्छी से दिख नहीं रही है बिकॉज कैमरा आपकी तरफ फेस किया हुआ रहता है, तो देखिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मैंने आपसे कहा था कि ये थोड़ा सा लंबा रखते हैं हम, तो 2 पिन लगाती हूँ मैं, एक थोड़े से लंबे रख के और एक उसके बाद, तो जो ये वाली पिन है इसको आप खोल दोगे, ठीक है, और ये आपके शोल्डर पे एडजस्ट किया आपने, ये देखो ये आपने शोल्डर पे एडजस्ट किया और सारी प्लीट्स को यूं सुंदर से आप इसको एडजस्ट करोगे दिस वे एंड यस आई थिंक यू आर गुड टू गो बिकॉज
बहुत अच्छी लग रही होगी ना। एक तो त्योहार है और ऊपर से ये रेड कलर की साड़ी, मैंने बिंदी भी लगाई है। और दूसरी चीज, जो लोग इस वाले हिस्से को भी पूरी स्ट्रेट कर देते हैं, आयन कर देते हैं और पिन लगा लगा के उसको एक पट्टी बना देते हैं, आई थिंक वो नहीं करनी चाहिए, बिकॉज साड़ी की जो ब्यूटी है उसकी अपनी फॉल में है। तो आई थिंक दिस पार्ट ऑफ द पल्ला, इसको आप खुला रखें, ऐसे थोड़ा फ्लोइंग रहने दें तो वो अच्छी लगेगी। तो आई होप आप लोगों को ये साड़ी का जो ट्यूटोरियल मैंने बनाया है ये आपको पसंद आया। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जो इस ड्रेप से रिलेटेड है तो प्लीज़ आप मेरे को DM करें। और भी कोई ऐसा समस्या जो आप एक पर्टिकुलर साड़ी को लेके आपको लग रहा है कि ये आपसे नहीं हो रहा है, ये बहुत भारी है या बॉर्डर बहुत चौड़ा है, आप मेरे को DM कर सकते हैं। बट जब आप DM करें ना, आप मेरे को उसकी एक तस्वीर, एक फ़ोटो उसके साथ डाल दें ताकि मैं रिलेट कर सकूं कि एक्चुअली कहाँ प्रॉब्लम हो रही है या किस तरह का फैब्रिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, सो टिल देन आई लव यू ऑल। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और इसलिए भी करती हूँ क्योंकि आप सब मेरे ट्यूटोरियल को फॉलो करते हैं और उसके बाद सारे ड्रेप्स को करके आप मेरे को फोटोज भेजते हैं। सो आई लव यू ऑल, टिल देन टेक केयर। एंड मेरे नेक्स्ट वीडियो आने के बाद, मैं जैसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूंगी, आपको इस साड़ी से रिलेटेड एक टिप देने वाली हूँ जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आप लोगों के लिए। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड एंड जय हिंद।